नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा रिजेक्ट सीजन 2 की, ये सीरीज है G5 की। तो दोस्तों ये जो सीरीज है इसका रिव्यू करने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा गोल्डी बहल साहब से कि गोल्डी बहल साहब आपने ये क्या बना डाला, क्या आपके मन में आया इतनी हड़बड़ी किस बात की थी दूसरा सीजन लेकर के आने की। दोस्तों ये जो दूसरा सीजन है इसमें सारे किरदार लगभग वही है, जगह भी वही है जेफरसन वर्ल्ड स्कूल, और लेकिन एक किरदार रिप्लेस हो गया है यहाँ। जो पिछला सीजन था उसमें कुबरा सैत का जो किरदार था उसका मर्डर हो गया था, और इस मर्डर के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अब दूसरे सीजन में आ गई हैं ईशा गुप्ता। तो दोस्तों जेफरसन वर्ल्ड स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ हाई क्लास सोसाइटी के बच्चे पढ़ रहे हैं, और यहाँ सब कुछ हो रहा है, यहाँ स्पोर्ट्स हो रहा है, यहाँ पार्टीबाजी हो रही है, यहाँ इश्क हो रहा है, फैशन तो भरपूर है, और पढ़ाई का सिर्फ केवल यहाँ नाम लिया जाता है। कभी कभी आप किरदारों के मुंह से सुन लेते हैं कि हाँ चलो क्लास होने वाली है। इसके अलावा देखिए दोस्तों ये जो दूसरा सीजन है इसमें थ्रिल और सस्पेंस रखने की कोशिश की गई है, लेकिन थ्रिल किस तरह से है ये तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन सस्पेंस ऐसा है कि 5 एपिसोड की सीरीज में तीसरे एपिसोड में ही आपको पता चल जाता है कि ये सारा झोलझाल किसका किया हुआ है। छात्रों का एक समूह है जिसको कि कोई फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है, और उसको फ्रेम करने के पीछे क्या उद्देश्य है ये तो आप देखिए सीरीज में ही देखेंगे, लेकिन जो वो फ्रेम कर रहा है वो भी बहुत ही बचकाने तरीके से फ्रेम कर रहा है। बेसिक स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा झोलझाल है, और इस स्टोरी में यहां सब कुछ हो रहा है, यहां मर्डर हो जा रहा है, यहां ब्लैकमेलिंग हो रही है, जो ब्लैकमेल करने वाला है वो किसी भी बात पे ब्लैकमेल कर ले रहा है, जो ब्लैकमेल हो रहे हैं लोग वो इतने मासूम है कि किसी भी चीज को चेक किए बिना वो ब्लैकमेल हो भी रहे हैं, किसी के कहने पर किसी का मर्डर कर दे रहे हैं, कोई जहर खा ले रहा है है, तो कुछ भी हो रहा है इस पूरी सीरीज में। बस एक ही चीज है जो कि बहुत ठूस ठूस के रखी गई है, वो है सेक्स और इंटीमेट सीन्स, किसिंग सीन की यहां तो भरमार ही है। तो दोस्तों जब पहला सीजन आया था रिजेक्ट्स का तो सुमित व्यास और कुबरा सैद को देख करके मैंने इस सीरीज को देखना शुरू किया था, लेकिन दूसरे सीजन में कुबरा सैद हालांकि है नहीं, सुमित व्यास है भी तो बस थोड़े से समय के लिए है, बाकी कलाकार जो है वो अपनी जगह पे हैं ही। जैसे कि आप नाम ले सकते हैं कुछ कलाकारों के, मासी वाली हैं, तन्वी सिंधे हैं, अनिसा विक्टर हैं, पूजा शेट्टी, आयुष खुराना, साधिका सयाल, परमीत सिंह, लेकिन कोई भी ऐसा किरदार या कोई भी ऐसा कलाकार नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर रहा हो यहाँ पर। मसी वली जरूर यहाँ थोड़े से अलग रोल में दिखे हैं और थोड़े से अच्छे लगे हैं। तो दोस्तों 5 एपिसोड हैं यहाँ आधे आधे घंटे के, और आपका एकदम मूड हो गया है कि मैं अपने ज़िंदगी के 2.5 घंटे बर्बाद करूँगा, तो आप इस सीरीज़ को, इस रिजेक्ट्स के दूसरे सीजन को देख लीजिए। नहीं देखेंगे तो बचे रहेंगे, अच्छा ही रहेगा। रेटिंग की बात करें तो 5 में से 1 अंक देना भी बहुत ज़्यादा ही रहेगा। तो दोस्तों रिजेक्ट सीजन 2 के बारे में आज इतनी ही चर्चा, आगे किसी और ऐप, किसी और सीरीज, किसी और हॉट टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक देखिए आप मेरे वीडियोस, मेरे चैनल को पसंद करिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यदि अभी अभी किया है तो बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल भी प्रेस करिएगा। कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।